कितने में? 9.50। अगेन ये डोर, आप सोचते हो कि ये देखो, ये होंडा सिटी का प्राइस है 2,90,000 में। आपको सीएनजी होंडा सिटी दे रहे हूँ, ऑटोमेटिक के साथ आपको एवरेज भी चाहिए। इंजन और गियर बॉक्स की हमको फुल गारंटी देंगे 6 मंथ की। 7.90 लाख रुपए में मिल जाएगी आपको, और क्या चाहिए? BMW X1। प्राइस कितना रहेगा इसका? प्राइस सिर्फ और सिर्फ 6.50 लाख। तो भाई ये है रमेश मोटर्स का ऑफिस, और यहाँ पर आपको मिलेंगे सर जी जो यहाँ के ओनर हैं, और अनीश जो हमारे साथ वीडियो बनाते हैं। अनीश, क्या क्या चीजें हम लोग ऑफर कर रहे हैं यहाँ पे सर? हम आपको इंडिया की ऑल ओवर सेगमेंट, आपको जेसीबी कार चाहिए, एमपीवी, एसयूवी, हैचबैक, सेडान, हम आपको ऑल सभी सेगमेंट के कार प्रोवाइड करेंगे। और कार अभी क्या है, कार प्रोवाइड करना ही एक चीज नहीं होती, कार प्रोवाइड करने के बाद भी है ना एक ट्रस्ट बन जाता है, क्योंकि कार आपको चाहिए तो आपको ऑल ओवर इंडिया में कोई भी आप डीलर के पास से ले सकते हो। पर मेन चीज क्या होता है, जो ये होता है कि कार सेल करने के बाद जवाबदारी आती है, जो कि होती है कार के डॉक्यूमेंटेशन की। क्योंकि मोस्ट ऑफ डीलर्स क्या करते हैं कि कार परचेस तो कर ले कम रेट में, क्योंकि कम रेट में कार परचेस करना आसान चीज है, पर उसके बाद जो चीज होती है ना, जो कि है आरसी ट्रांसफर का, वो मोस्ट ऑफ डीलर्स करते नहीं है, और ये चीज हमारे यहाँ आपको नहीं मिलेगी। हमारे आपको जैसे हम फॉर एग्जांपल आप हमारे पास से कार लेते हो, विद इन 24 आवर्स में हम गाड़ी ट्रांसफर के लिए रखवा देते हैं। कोई डीलर आपको ये चीज़ नहीं आपको देगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ डीलर क्या करते हैं, आज आपने उनके पास से गाड़ी तो परचेस कर ली, पर वो क्या करते हैं, एक महीना, दो महीना, तीन महीना आपको वेट करवाते रहेंगे, आपके फ़ोन नहीं उठाएगा, ये चीज़ होता है। और जिस कस्टमर के साथ ये चीज़ हो चुका है वो ये चीज़ अच्छी तरह से जानते हैं, पर ये चीज़ हमारे यहाँ नहीं होगी, इसकी हम आपको फुल गारंटी देंगे। और मोस्ट क्या होता है, अगर आपको हमारे पास कार फॉर एग्जांपल आपको एक्सचेंज करनी है कि आपको सेल करनी है हमारे पास कार, हम आपको कार परचेस कर ले, पर उसकी बाकी जवाबदारी ऐसी है कि हम आपकी कार परचेस करके उसमें एक एक चीज़ क्यों क्या क्या होता है वो हम आपकी पूरी चेक करेंगे। उसके बाद हम आपको उसी ऑन द स्पॉट हम आपको आपको जैसे पेमेंट चाहिए हम आपको पेमेंट भी आपको करवा देंगे। आपको कैश चाहिए, ट्रांसफर करना है, आपको हम वो करवा देंगे। और फॉर एग्जांपल हमारे कुछ क्लाइंट्स को हमको लगता है कि हमारे यहाँ गाड़ी लोन वाली होती है, नहीं, हमारे पास जो भी हम गाड़ियाँ परचेस करते हैं तो हम गाड़ियों की NOC निकला के फुल क्लियर करने के बाद ही हम गाड़ी यहाँ हमारे शोरूम पे रखते हैं। और लोन वगैरह क्या फैसिलिटीज आप लोगों के? हमारे पास जो कस्टमर आते हैं ना, कोई भी गाड़ी फाइनल करके टोकन देते हैं, अगर लोन अगर नहीं हुआ तो हम टोकन पूरा रिटर्न दे रहे हैं। लोन होने के बाद आप कैंसिल नहीं कर सकते, और उसके बाद में लोन अगर होने के बाद अप्रूवल आने के बाद कोई डीलर आपको पेमेंट के बिना पैसा नहीं, गाड़ी डिलीवरी नहीं देता। सही, हम लोग अप्रूवल आने के बाद जो भी 5 लाख या 10 लाख का जो भी गाड़ी का जो लोन का अमाउंट है वो एग्रीमेंट में, लोन का जो एग्रीमेंट में साइन हो जाएगा, आपको डिलीवरी ऊपर का पैसा देके आपको डिलीवरी देगा। कोई भी डीलर है जब तक उसके अकाउंट में पेमेंट नहीं आएगा ना तब तक आपको डिलीवरी नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे जो बैंक वाले बोलेगा भाई इनका सब कागज कम्प्लीट है, ओके, एग्रीमेंट साइन हो जाएगा तो आपको डिलीवरी मिल जाएगा, बराबर। और जैसे कि हम देखने जाएंगे कोई कस्टमर, उनको एक चीज़ का डर लेता है जो कार सेल करते हैं, जैसे कि उनकी कार ट्रांसफ़र हुई कि नहीं हुई। हमारे यहाँ ये चीज़ें आपको सबसे पहली चीज़ हमारे यहाँ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि कार ट्रांसफ़र करवाने की, क्योंकि अगर हमारे यहाँ से गाड़ी निकली विद इन 24 हम आपको गाड़ी ट्रांसफ़र करवा देंगे। उसकी एक कॉपी जो कि आपको फ़ोन में आएगी, एक हमारे पास रहेगी, एक कार के एक्स ओनर के पास जाएगी और एक कार के रिसेंट ओनर के पास जाएगी। ये चीज़ें ना आपको, मैं ये चीज़ आपको छोटी छोटी बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ना मार्केट में सस्ती गाड़ी आपको ऑल ओवर सभी जगह मिल जाएगी, पर सस्ती कार बेचना एक चीज़ नहीं होता, वो एक नेसेसरी नहीं होता, पर एक ट्रस्ट के साथ कार बेचनी एक अलग चीज़ होती है, जो कि वो चीज़ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और हमारे पास इतना सारा स्टॉक है इसलिए क्योंकि हमको पता है कि हमारा स्टॉक, हमारे पास जैसी कार है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी, और हमारा जो ट्रस्ट है वो आपको दूसरा कोई डीलर आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। तो भाई यहाँ पर एक्सचेंज वगैरह क्या सीन है, एक्सचेंज हो जाती है गाड़ियाँ हमारे यहाँ? आपको एक्सचेंज हो जाएगी आपकी कोई भी गाड़ी हो,
भले पेट्रोल डीजल सीएनजी कोई भी गाड़ी हो, हम आपके पास एक्सचेंज करते हैं विद इन अ वन कंडीशन, वो कार में कोई मेजर एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए तभी हम आपको परचेस करते हैं वो कार। और एक्सचेंज में हम आपको वो कार का बेस्ट टू बेस्ट रेट में हम आपको वो कार प्रोवाइड करवा देंगे। अगर हम आप हमारे पास से कोई कार लो उसमें हम आपको बेस्ट डिस्काउंट के साथ एक्सचेंज ऑफर में हम आपको कार दे देंगे। और बात रही अगर फर्स्ट आप यहाँ से हमारे पास कार लेते हो तो सबसे पहली चीज़ हमको फर्स्ट सर्विस मैंडेटरी करवा के देंगे, जिसके अंदर ऑयल, पानी, एयर फिल्टर, एसी, कूलेंट सब चेंज होगा। उसके बाद आप विद इन 5000 किलोमीटर आप बिंदास चला सकते हो गाड़ी। Hey guys, welcome back to a new video. My name is शिवम और हम लोग आ गए दोबारा से रमेश मोटर में। और यहाँ पर काफ़ी सारे कमेंट भी आ रहे थे कि भाई नया स्टॉक दिखाओ। नए स्टॉक में भाई साहब देख रहे हो एंडेवर खड़ी है और यहाँ BMW खड़ी है, इधर मर्सिडीज CLA खड़ी है। भाई प्रीमियम से लेके और लो बजट से लेके प्रीमियम तक सब गाड़ियाँ अवेलेबल है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और भाई एड्रेस आप एक पहले ही बता दो एड्रेस का। हमारा एड्रेस है बरोड़ा मकरपुरा GIDC जुपिटर 4 रास्ते पर ही है रमेश मोटर्स। आप आओगे तो आपको दिखी जाएगा और एग्जिट 4 रास्ते पर ही हमारा ऑफिस। ये अपना देखो जुपिटर दिख रही है ना ये, तो यहाँ से आप आओगे ना सुसन से आओगे तो आपको राइट साइड पे यहीं पे बड़ा सा रमेश मोटर का बोर्ड जो है ये दिख जाएगा। तो यहाँ पर आपके ऐसे नंबर भी रहेगा और एड्रेस भी जो है पहले बता दिया। तो स्टार्ट करें वीडियो, कौन से स्टार्ट करने वाले? स्टार्टिंग ही हम आपको ऐसे रेट में ना आपको BMW आज हमको लो से लो रेट में ना हम आपको प्रीमियम कार दिखाने वाले हैं। चलो तो आज हमारी फर्स्ट कार है BMW X3। X3 कौन सी ईयर का मॉडल? BMW X3 है, 2012 मॉडल है। हम 99% मेरे पास सभी कार फर्स्ट ऑनर ही होगी, अगर जो सेकेंड ऑनर होगी मैं आपको पहले ही बता दूंगा। ये BMW X3 2012 मॉडल है, एक्स ड्राइव है विद पैरानोमिक सनरूफ के साथ। ओके, इंटीरियर वगैरह देख सकते हो भाई, काफ़ी बढ़िया इंटीरियर कंडीशन है। और कितना किलोमीटर तक चली होगी भाई? 88,000 चली है विद रिकॉर्ड के साथ ही चली है सी गाड़ी। ओके, 88,000 किलोमीटर चली है विद रिकॉर्ड। और पीछे भी दिखा देता हूँ, प्राइस कितना है होगा? प्राइस में आपको एकदम शॉकिंग प्राइस देने वाला हूँ इस गाड़ी का। मार्केट में देखने जाओ आप आज के टाइम में ना आइटन ग्रांड है ना, आपको नॉर्मल आइटन ग्रांड वही आपको ना टॉप एंड से एक्सपेक्ट है ना, आपको 10 लाख का मिलता है ऑन रोड। आपको 9,50,000 में 2012 मॉडल X3 दे रहे हम वो भी। भाई X3 कितने में? 9.50। भाई 9.5 लाख में मिल जा रही है, बढ़िया है यार, प्राइस तो बढ़िया है, मतलब जबरदस्त। और ये गारंटीड प्राइस है, इसके इस प्राइस में आपको ऑल ओवर कहीं भी नहीं मिलेगी X3, वो भी फर्स्ट ओनर की कार है। X3 है ये भी, मार्केट में X1 के लोग इतने प्राइस मांगते हैं, X3 दे रहे हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट कौन सी है? नेक्स्ट हमारा उसी का ही छोटा भाई, ये BMW X1 है, एस लाइन है, 2012 मॉडल है ये भी। हाँ। और ये भी सिंगल ओनर कार है, ये चली है 79,000, पूरी नीट एंड क्लीन कंडीशन में कार है ये। बिल्कुल तो लगी रही है भाई, कंडीशन वगैरह भी गाड़ी की काफ़ी अच्छी लग रही है। इंटीरियर भी दिखा देता हूँ, तो इंटीरियर कुछ इस तरीके से आपको देखने मिल जाता है। कितना किलोमीटर चली होगी ये? 79,000 चली हुई है। और ओनर कितने? फर्स्ट ओनर ये भी, फर्स्ट ओनर मिलेगी, बढ़िया है भाई। स्पेस वगैरह और बाकी इंजन भी बढ़िया मिल जाता है गाड़ी के अंदर। भाई पूरी बेंट देख सकते हो, मस्त आराम से कंफर्टेबल बैठ, मतलब लग्जरी के मामले में तो और स्पोर्ट के मामले में तो BMW है ही। और X1 का कितना प्राइस रहेगा भाई? X3 का ये प्राइस हमें देना चाहता हूँ, X3 दिमाग में घूम रही है आज के टाइम में। आप देखने जाओगे वेगन आ रही ना, आपको 7-7.50 में मिलती है टॉप एंड मॉडल। हाँ हाँ, मैं आपको दे रहा हूँ X1 2012 मॉडल, फर्स्ट ओनर कार, डीजल में ऑटोमेटिक एस लाइन। इसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ हमने रखा है 7.90 लाख। साहब 7.90 लाख रुपीज में मिल जाएगी आपको, और क्या चाहिए? BMW X1 और X3 का भी प्राइस बराबरी है। और ये है अपने वहाँ मर्सिडीज CLA 200 Sport। भाई क्या लगती है गाड़ी, मतलब ये तो चलती है तभी, मतलब और कलर भी एकदम। इधर आ जाइए, इधर आ जाओ, मैं आपको बता दिया कार में एक सबसे अच्छी फीचर है जिसमें ना सब एकदम दीवाने हो जाते हैं। हाँ, इसका फ्रेमलेस डोर। ओ भाई भाई साहब फ्रेमलेस डोर मिल जाते हैं इसके अंदर। ओए होए क्या लग रही है यार, क्या मतलब क्लास है भाई गाड़ी का, देख रहे हो सीटें वगैरह। और कितना किलोमीटर चली है ये? चली 58,000। हाँ 68,181 चली है कुछ। और क्या लग रही है यार जबरदस्त, 68,000 चली है। हाँ वही ना, और ये ऊपर हो जाता है, अभी दिखा दूंगा, ये देखो नीचे आ गया ना ये डोर, आप सोचते हो कि ये देखो वाह इसके सबसे बेहतरीन इसकी सीट है, एकदम स्पोर्टी डिजाइन में, स्पोर्टी डिजाइन वाली सीट मिल जाती है।
देख रहे हो, पीछे भी बेंच, पीछे की बेंच में भी स्पोर्टी डिजाइन ही आपको देखने के लिए मिलता है। स्पेस वगैरह तो मिलता ही है, पावर तो भाई क्या ही मिलती है। बाकी फ्रेमलेस डोर मिल जाते हैं भाई, इसका प्राइस बता दो वरना मैं ही ले लूँगा इसको। इसका प्राइस सबसे बेस्ट हमने रखा है, दिखा है आपको, बता ही देता हूँ। CLA स्पोर्ट्स 200 स्पोर्ट्स है जो कि सबसे टॉप एंड मॉडल। इस कार में एक फीचर है, इसके अंदर आपको पैडल शिफ्टर्स आ जाते हैं। CLA स्पोर्ट 2015 मॉडल, ओनर सीरियल सेकंड है कार, ऑल ओरिजिनल पेंट में कार है। इसका प्राइस हमने रखा है सिर्फ और सिर्फ 17.11 लाख में, 2015 मॉडल, 15 मॉडल 17.5 लाख। ये मोर देन आज के टाइम आप लेने जाओगे मोर देन 60 प्लस की आती है ये कार, और हम आपको दे रहे 17 लाख में भाई, बहुत जबरदस्त गाड़ी है। नेक्स्ट है ऑडी 4 रिंग, यही हमारी एक और लो प्राइस में हम आपको प्रीमियम कार दे रहे हैं, ऑडी A4 2010 मॉडल है, प्योर पेट्रोल में कार। आप मोस्टली देखने जाओगे ना आपको ऑडी डीजल में मिलेगी 2.0 लीटर के साथ, ये पेट्रोल इंजन में है, मिल जाती है ऑडी भाई। इंटीरियर देखो क्या जबरदस्त आता है, सीट भी बहुत बढ़िया आ जाती है। और कितना किलोमीटर चलिए, 84,000 समथिंग चलिए, 84,000 किलोमीटर चलिए, ये देख कर रखिए। प्राइस कितना रहेगा और फर्स्ट ओनर है ये? सेकंड ओनर, ये सेकंड ओनर है। और प्राइस कितना रहेगा इसका? प्राइस सिर्फ और सिर्फ 6.50 लाख। कितना? 6.50 लाख में हम आपको ऑडी A4 दे रहे हैं विद सनरूफ के साथ भाई। ऑडी A4 6.5 लाख में? 6.5 लाख में भैया, XUV 500 नहीं मिलती 2012 की XUV आपको 5-5, 6-6 लाख रुपए में। ये कौन सा मॉडल है? ये 2010 मॉडल पेट्रोल कार है, और ऊपर से आपको मॉडल पेट्रोल कार 6.5 लाख रुपए में ऑडी मिल रही है भाई A4। मतलब आज तुमने मतलब तोड़ी दिया सब भाव है, ऐसे रेट में आपको प्रीमियम गाड़ी लेके जो कोई नहीं देने वाला आपको भाई। कंडीशन भी बहुत जबरदस्त है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, और चलाओगे तो समझ में आएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं सियाज की तरफ। सियाज हमारी है 2019 मॉडल, एंड 19 मॉडल में आपको पता था मारुति ने अपने डीजल इंजन बंद कर दिए थे, पर यही 19 मॉडल में हम आपको लेके आए डीजल हाइब्रिड इंजन, और ऊपर से डेल्टा सेकंड टॉप मॉडल, जो कि इसके अंदर आपको सभी फीचर्स आ जाएंगे, प्रोजेक्टर, हेडलैम्प, ABS, एयरबैग, स्टीयरिंग माउंटर, और ये फेसलिफ्ट मॉडल जिसमें आपको आगे की ग्रिल बम्पर सब चेंज हो गए थे। ओके, और अगर अंदर आप देखने जाओगे तो अंदर आपको वुडन इंटीरियर मिल जाएगा इस गाड़ी में। ठीक है, और देखो अंदर से पूरी जेन्युइन कंडीशन में, सीट कवर देख रहे हो कितनी जबरदस्त लगा रखे हैं, ये तो आफ्टर मार्केट सब बना रखे हैं ना, सब ओरिजिनल, और ये जिसके अंदर आपको वुडन इंटीरियर मिल गया था ये 2019 में ही हुआ था। ओके, ये वाली ओपन करना लॉक भाई साहब। देखो भाई रियर एसी वेंट वगैरह सब मिल जाते हैं, और पीछे की सीट कवर अभी नए लगाए हुए ना, ये पूरी नई एकदम नीट एंड, कस्टमर जो हमारे पास से कार लेके जाए ना उसे एक सिंगल एक 10 रुपए का भी काम नहीं करना पड़ेगा। डॉक्टर ओनर कार है भाई, अच्छे से चली हुई है, बढ़िया। प्राइस कितना है इसका? प्राइस हमने रखा है सियाज 2019 डेल्टा सेकंड टॉप वेरिएंट एन प्लस हाइब्रिड इंजन डीजल में 49,000 विथ रिकॉर्ड के साथ चलिए। इसका प्राइसिंग हमने रखा है 7.90 लाख, 7.90 लाख, 7,90,000 मिलेगी। और ये है होंडा सिटी, ये है हमारी होंडा सिटी 2015 मैन्युफैक्चरिंग 16 रजिस्टर। ये गाड़ी में एक खासियत है, ये गाड़ी विद CNG में, अच्छा CNG, और इसमें एक दूसरी खासियत है इसका नंबर। ओके भाई, नंबर देख रहे हो, एक 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 भाई, स्पेशल नंबर वाली गाड़ी मिल जा रही है, लोग देख के समझ जाए कि हाँ VIP आ रहा है कुछ, तो क्रोम फिनिश, क्रोम का एक्सेसरीज वगैरह लगी हुई है हैंडल पे। और अंदर की कंडीशन दिखा देता हूँ, अंदर से भी काफ़ी ज़बरदस्त है, और भाई होंडा के स्टेयरिंग तो क्या ही बोल। कितना प्राइस रहेगा इसका? इसका प्राइस हमने रखा है 6.50 लाख, कार्बन फाइबर रैपिंग कर रखी है, ऐसा मैं भी सोच रहा हूँ लगवा दूँ अपनी गाड़ी में वो लोग को कार्बन फाइबर बना दो, कार्बन फाइबर नैनो। तो दूसरी है ये, कितना बताया इसका? 6.50 लाख, पेट्रोल प्लस CNG सेकंड टॉप बी वेरिएंट। ओके, और लोन वगैरह तो हो जाता है? हो जाएगा आपको, मैं मॉडल डिपेंड ऑन मॉडल, हम आपको ना अगर आपका 15-16-18 मॉडल भी होगा ना कार में, आपको 70-80% लोन करवा दूंगा, और 15 के अंडर रही ना गाड़ी उसमें आपको 70% लोन करवा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास एक और, अभी कुछ कस्टमर का हमारा प्राइस कम, जिनको होंडा सिटी चाहिए पर कम प्राइस में चाहिए, ये हमारी होंडा सिटी। इसका मैं पहले प्राइस ही बता देता हूँ आपको, ये होंडा सिटी का प्राइस है 2,90,000 में आपको CNG होंडा सिटी दे रहे हूँ भाई। 2,90,000 में CNG फिटिंग वाली आपको होंडा सिटी मिल रही है। फर्स्ट ओनर है ये? सेकंड ओनर, सेकंड ओनर कार है, आप देख सकते हो कंडीशन भाई अंदर से क्या जबरदस्त लगती है, डैशबोर्ड वगैरह भी बहुत जबरदस्त लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीट कवर भी एकदम कंप्लीट है,
ये तो कंप्लीट करके ही दे रहे हैं आपको, और आप कराना चाहो तो आप करा सकते हैं अपने हिसाब से जो कराना है। ये देख सकते हो क्या मस्त लग रही है, और ये भी टॉप एंड मॉडल है वी उस टाइम का, जिसके अंदर आपको एलॉय व्हील्स एयरबैग सब आ जाते हैं। प्राइस कितना रहेगा इसका? प्राइस 2.90 लाख, 2,90,000। वाह ठीक है, और मैं भाई वीडियो में दो बार प्राइस इसलिए पूछता हूँ रीकन्फर्मेशन के लिए, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि मैं भूल जाता हूँ, रीकन्फर्मेशन के लिए प्राइस पूछता हूँ कि दो बार आपको प्राइस, जो मेन फैक्टर रहता है कि क्या है, तो वो दो बार कन्फर्म करना जरूरी है। ये हमारी ये स्विफ्ट है 2013 मॉडल, फर्स्ट ओनर, विथ रिकॉर्ड 71,000 चली हुई है, VDI है और पूरी ऑल ओरिजिनल पेंट में, सिर्फ फ्रंट बम्पर के सिवाय पूरी ऑल ओरिजिनल पेंट में। ओके तो इसको भाई पीछे से दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से कंडीशन है बैग में, एंड पीछे वाला बम्पर पेंट नहीं हुआ कभी? पीछे वाला जस्ट हमने लेने के बाद सिर्फ आगे वाला ही बम्पर पेंट किया। अच्छा, पीछे वाला कुछ नहीं किया, पीछे मतलब और तब ऑल ओरिजिनल पेंट में। आपको छोटे मोटे जो दिख रहे आपको स्क्रेचेस, वो भी ओरिजिनल है। अगर हमको करवाना होता है ये करवा भी सकते, पर उसके लिए पूरी डिकी पेंट करनी पड़ती है, ये चीज हम नहीं करते। ठीक है भाई, प्राइस कितना रहेगा इसका? इसका प्राइस हमने रखा है 3.75 लाख, स्विफ्ट डिजायर 2013, फर्स्ट ओनर, विथ रिकॉर्ड के साथ चली हुई गाड़ी। भाई साहब कंडीशन देख रहे हो, बहुत सही है, एकदम ब्लैक इंटीरियर रखा है अंदर से, यार स्विफ्ट की तो डिमांड भी बहुत यार, बहुत कस्टमर है स्विफ्ट के। बढ़िया, नेक्स्ट एक और स्विफ्ट है, ये कौन सी है? अभी कुछ हमारे कस्टमर को डीजल नहीं प्रीफर करते, उनके लिए पेट्रोल स्विफ्ट लाए, 2015 मॉडल, एंड सेकेंड ओनर कार है, हमारी बाय बैक की हुई गाड़ी है, ये भी विथ रिकॉर्ड के साथ चली हुई है 68,000, एडवोकेट ड्रिवन कार है, 2015 मॉडल, और ये VX है, ऑप्शनल है, जिसके अंदर आपको फोल्डेबल ORBMs आ जाते थे। ओके, फोल्डेबल ORBMs जिसके अंदर मिल जाते थे, तो इसके अंदर एक्सेसरीज वगैरह जो पार्ट हैं वो भी लगे हुए हैं, ठीक है, मतलब वो जिसमें भी लगे हुए हैं इसमें भी लगे हुए हैं। प्राइस कितना है और क्या इसका प्राइस हमने रखा है? सेकेंड ओनर है, हमारी बाई बैक की हुई गाड़ी है, इसका प्राइस हमने रखा है 4.11 लाख, 4,11,000 में, 2015 मॉडल, 2015 का मॉडल मिलेगा। देख सकते हो भाई इंटीरियर वगैरह दिखा देता हूँ, कितना किलोमीटर चली होगी भाई ये? 68,000 विथ रिकॉर्ड के साथ ही चली हुई है, जब गाड़ी हमारे पास आई थी तब ये गाड़ी चली थी 41,000, 1 ईयर्स पहले। अच्छा, और अब ये चली 68,000 विथ रिकॉर्ड के साथ, ठीक है। और नेक्स्ट अपने पास, अब हमारे पास है आई 10 ग्रांड, फेस लिफ्ट मॉडल है, 2017 दिसंबर, और इसमें भी एक खासियत है ये CNG गाड़ी है, और CNG में भी सिक्वेंशियल किट लगी हुई है 48,000 की, जिसकी मैं आपको बिल भी दिखा दूंगा। ओके, और ये मेगना एग्जीक्यूटिव है, जिसके अंदर आपको सिंगल एयरबैग और ABS आ गया था, सिंगल एयरबैग और ABS वाला सिस्टम है, और इसमें एंड्रॉयड सिस्टम भी लगा हुआ है, बढ़िया है भाई, एंड्रॉयड सिस्टम वगैरह सब कम्प्लीट है इसके अंदर, है CNG लगी हुई है। तो भाई प्राइस कितना रहेगा ये? इसका प्राइस हमने रखा है 4.90 लाख, 4,90,000, लोन वगैरह के साथ हो जाएगा लोन वगैरह, ऑलमोस्ट 50,000 की, इसमें आपको किटी लगी हुई है, CNG मिल जाएगी, और ये टाइम पे तो भाई CNG गाड़ी जो है ना वो ही प्रेफर कर सकते लोग, कि भाई इकोनॉमिकली आपको रनिंग कॉस्ट भी थोड़ा कम ही है इस तरीके से, ये भाई ये इसकी CNG किट काफ़ी ज़्यादा, और इसके बावजूद भी काफ़ी सारा स्पेस है, फेयर व्हील वगैरह यहाँ रखा हुआ है, आराम से सामान वगैरह भी थोड़ा बहुत आप रख ही सकते हो उसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अपने पास है एक और i10 ग्रैंड, कलर डिफरेंट है लेकिन सेम गाड़ी है, मॉडल कौन सा है? और आज मेरे पास मैक्सिमम आज हमको 6 से 7 आइटम्स आपको दिखाने वाला है, जिसमें पेट्रोल, डीजल, CNG, मैनुअल, ऑटोमेटिक सभी हम आपको दिखा देंगे। ओके, ये हमारी ये i10 ग्रैंड रिसेंटली ही हमने परचेस की है, ऑल ओरिजिनल पेंट में, इतना भी इतना कुछ गाड़ी में कोई रीपेंट नहीं किया, जो भी आपको स्क्रेचेस दिख रहे सब ओरिजिनल है। ओके, ये जस्ट ही आई है, थोड़ा रिफर्बिश होना बाकी है। ये 2014 मॉडल है, फर्स्ट ओनर कार है, और ये मेगना वेरिएंट है 4 पावर विंडोज के साथ, इसका प्राइस भी हमको गारंटी के साथ दे रहा है, i10 ग्रांड आपको कोई नहीं देगा, 3.25 लाख में 2014 फर्स्ट ओनर i10 ग्रांड दे रहे हैं डीजल, 3,25,000 मिलेगी आपको i10 ग्रांड, बढ़िया है भाई। नेक्स्ट अपने पास i20, ये कौन सा मॉडल है? ये i20 डीजल आस्था टॉप एंड मॉडल है, हाँ, और फर्स्ट ओनर कार है डीजल में, और फेस लिफ्ट मॉडल है, जैसे कि आप देख सकते हैं 2017 के बाद 18 में बंपर्स और ग्रिल में आपको चेंजेस मिल गए थे, वो वाला वेरिएंट है, इसमें फॉग लैंप वगैरह भी मिल जाते हैं इसके साथ, ठीक है, एक टॉप एंड मॉडल है, इसके आपको फीचर्स तो कुछ नहीं है, ये 2018 मॉडल है, फर्स्ट ओनर है, एंड आस्था टॉप एंड मॉडल है, जिसके अंदर आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले मिल गया था, और 77,000 चली हुई विथ रिकॉर्ड के साथ, सॉरी 71,000 चली हुई है, इंश्योरेंस वगैरह कंप्लीट, सेकंड ओनर है नहीं, फर्स्ट ओनर है i20, सब फर्स्ट ओनर है। अच्छा ठीक है,
तो भाई i20 भाई के पास जितनी है सब फर्स्ट ओनर है, और i20 है भी जबरदस्त गाड़ी, और ये वाला मॉडल तो बहुत बेस्ट बहुत अच्छा है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं इसके लाइट्स में और इसके लाइट्स में भी आपको थोड़ा कॉस्मेटिक चेंजेस मिल गया। हाँ फर्क तो है ना, मतलब कॉस्मेटिक टोटली चेंज ही है वो, ये और वो। ठीक है, प्राइस कितना है इसका? इसका प्राइस आप न्यू कॉस्ट करने जाओगे, उस टाइम ये गाड़ी मिली थी 12.50 लैक्स की, क्योंकि आज तक टॉप एंड मॉडल है। इसका प्राइस अब हमने रखा है 7.30 लैक्स। हाँ, और ये हमारी अगली गाड़ी है 2017 मॉडल। किसी कस्टमर को पेट्रोल में चाहिए, हमारे पास पेट्रोल में पड़ी है ये i20 2017 फर्स्ट ओनर प्योर पेट्रोल मेगना वेरिएंट है। मेगना वेरिएंट मिल जाता है। प्राइस रहेगा इसका? इसका 5.90 लैक्स, 5,90,000 रुपये। इंटीरियर कुछ इस तरीके से है। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास ये पोलो। अब है हमारे पास पोलो क्रॉस, जो कि बहुत ही रेयर मिलती है। आप देखने जाओगे ना, ये गाड़ी में सेम पोलो जीटी का ही इंजन आता है 1.5 लीटर टर्बो का। पोलो जीटी में आपको क्या होता है कि वो आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलती है, यही आपको पोलो जीटी की पावर आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में देगी। पोलो क्रॉस 2013 मॉडल, सेकेंड ओनर कार है हाईलैंड टॉप एंड मॉडल, जिसके अंदर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आ जाते हैं, जो कि पोलो जीटी में भी नहीं आए थे उस टाइम पे। भाई दिखा देता हूँ कंडीशन, और ब्लैक कलर मिल जाती है। वाह भाई साहब, ब्लैक एंड क्रोम हमें टेक्सचर मिल जाता है, और इंटीरियर भी पूरा ब्लैक मिलेगा। 76,000 चली हुई है। और कितना प्राइस वगैरह रहेगा इसका? प्राइस हमने रखा है 3.35 लाख। 3.35 लाख रुपीज़। ये आप देखने जाओगे ना पोलो, आप नॉर्मल पोलो से ये गाड़ी 2 से 2.5 लाख रुपए कॉस्टली पड़ती थी। डीजल है ना? डीजल, डीजल 1.5 टर्बो। नंबर भी देख रहे हो 1800। ये आइटम ग्रांड है 2018 मॉडल, फर्स्ट ओनर डीजल में है, और सेकंड टॉप वेरिएंट है स्पोर्ट्स। और okay, स्पोर्ट्स में फेसलिफ्ट मॉडल है, जिसके अंदर आपको एंड्रॉइड ऑटो एप्पर कार प्ले मिल गया था। ये छोटी छोटी कॉस्मेटिक चीजों की वजह से ना प्राइसिंग थोड़ी हाई हो जाती है, इसलिए मैं आपको वो गिनाता जाऊंगा। इसके अंदर आपको ड्यूअल एयरबैग, एबीएस, स्टीयरिंग, माउंटेन कंट्रोल सब आ जाता है। तो भाई कंडीशन भी आप देख सकते हो काफी बढ़िया है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ एक और चीज भाई, अगर लेके जाते हैं गाड़ी विद इन 2 मंथ या फिर कुछ टाइम पे प्रॉब्लम आता है तो क्या है? इंजन और गियर बॉक्स की हमको फुल गारंटी देंगे 6 मंथ की, जो कि होगी गाड़ी के एक्चुअल किलोमीटर से 10,000 तक। कुछ भी हुआ इंजन और गियर बॉक्स में हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करके देंगे। इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स का उसका कुछ हम लोग जो भी होगा, अगर आप इनकेस अगर हमारे यहाँ से कुछ भी हुआ हम आपको कंप्लीट करवा के देंगे। छोटी से छोटी अगर लाइट हो या पावर विंडोज का कुछ भी इशू हो हम आपको कंप्लीट करवा के देंगे 6 महीने के अंदर। 6 मंथ का हम इंजन और गियर बॉक्स की गारंटी देंगे, और नॉन एक्सीडेंट की, जिसके अंदर आपको ए पिलर, बी पिलर, सी पिलर, ये आपको एक भी गाड़ी आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसके अंदर ये चीज डैमेज होगी। माइनर छोटा मोटा आपको टचअप मिलेगा, क्योंकि हम गाड़ी लेते कंप्लीट करके आपको जीरो मेंटेनेंस वो तो करना ही पड़ता है भाई, वो तो करना ही पड़ता है, वरना तो आप लोगे भी नहीं गाड़ी अगर गाड़ी लेके आए हैं, ऐसी गाड़ी तो आप लोगे भी नहीं। i20 है 2014 एंड स्पोर्ट्स वेरिएंट है, प्योर पेट्रोल में 55,000 विद रिकॉर्ड के साथ चली हुई गाड़ी। ये है, इसका प्राइस हमने रखा है 4.25 लाख, और ये फेसलिफ्ट मॉडल जिसके अंदर आपको आगे LED DRLs आ गए थे। स्पोर्ट ABS, बम्पर वगैरह में भी कोई ज़्यादा स्क्रैचेस वगैरह नहीं है, बढ़िया है। तो भाई इसका इंटीरियर दिखा देता हूँ मैं, तो इस तरीके से इंटीरियर है गाड़ी का। कितना किलोमीटर चली होगी भाई? 55,000 चली i20। प्राइस इसका? प्राइस 4.25 लाख। 4,25,000 रुपये में आपको ये वाली गाड़ी मिल जाएगी। और अब हमारे पास है ये, जिनको ऑटोमेटिक भी चाहिए, ऑटोमेटिक के साथ आपको एवरेज भी चाहिए, जो कि ये चीज़ इम्पॉसिबल ही है, पर ये चीज़ आपको CNG में मिल सकती है। ये हमारे पास i10 है 2013 मॉडल, फर्स्ट ओनर 49,000 विथ रिकॉर्ड के साथ चली है, जो कि मॉडल के हिसाब से बहुत कम चली हुई गाड़ी है, और स्पोर्ट्स वेरिएंट है, जो कि टॉप एंड मॉडल उस टाइम का ऑटोमेटिक में जो आता था। इसका प्राइसिंग हमने रखा है 3.25 लाख। 3.25 लाख में मिल जाती है भाई i20 CNG के साथ। अंदर से दिखा देता हूँ मैं, ऑटोमेटिक में आपको ये मिल जाता है, गियर बॉक्स वगैरह पूरा कम्प्लीट, CNG वगैरह मिल जाती है, स्पेस वगैरह भी काफ़ी अच्छा है गाड़ी के अंदर, ऐसा भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और प्राइस कितना बोला आपने? 3.25 लाख। 2013 फर्स्ट ओनर एंड 49,000 चली हुई गाड़ी, 49,000 किलोमीटर चली है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने पास एक और i20, ये फर्स्ट ओनर है ना? ये सेकंड ओनर है। सेकंड ओनर ये i20 2013 रजिस्टर मॉडल है, सेकंड ओनर है, आज तक टॉप एंड मॉडल है, जिसके अंदर आपको ड्यूअल एयरबैग, ABS एंड क्लाइमेट कंट्रोल, AC, 6-speed ट्रांसमिशन सब आ गया था। ठीक है भाई, कंडीशन देख सकते हो काफी ठीक है। कितना किलोमीटर चली होगी ये? 88,000 के अप्रोक्सीमेटली है। 88,000 के अप्रोक्सीमेटली चलेगी। प्राइस कितना रखा है इसका? प्राइस हमने रखा है 3.50 लाख में, हम आपको टॉप एंड मॉडल i20 दे रहे हैं डीजल में, 3.5 लाख रुपए में मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास एक और है, जो हमने लास्ट i10 देखी थी वो ऑटोमेटिक और CNG में थी, ये हमारी मैनुअल पेट्रोल में है, ये भी 2013 मॉडल, ये भी फर्स्ट ओनर ही कार है, फर्स्ट ओनर है, रेड कलर में, मतलब मरून कलर में मिलती है आपको, मैं दिखा देता हूँ अंदर से।
इंटीरियर वगैरह दिखा देता हूँ, जबरदस्त लगते है। प्राइस कितना रहेगा भाई इसका? इसका प्राइस हमने रखा है सेम ही 3.25 लाख, वो आपकी 3.25 लाख। ये आपकी मैनुअल प्योर पेट्रोल है, वो आपकी सीएनजी ऑटोमेटिक का। ओके, तो नेक्स्ट अपने पास लो बजट में एक और वैगनार है यहाँ पे, और क्या डिटेल है भाई इसकी? ये वैगनार 2010 मॉडल है, VXI टॉप एंड मॉडल है। हाँ। और फर्स्ट ओनर कार है VXI के अंदर। आपको इस जनरेशन में आपको VXI गाड़ी बहुत रेयर ही मिलती है। हाँ। इसके अंदर पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज भी आ गए थे, 4 2 पावर विंडोज, और ये विद सीएनजी में, जो कि अप्रूवल है, जो कि इस प्राइस रेंज में और इस मॉडल में नहीं मिलती है। ये भी फर्स्ट ओनर कार है। इसका प्राइसिंग हमने रखा है 1.65 लाख, और इसमें भी आपको बता दी, ये खाली हमने ऑर्डर की है, 2-4 दिन में आ जाएगा, आपको कंप्लीट करवा के देंगे। ओआरवीएम आपको लगा के दोगे है ना, कवर उस पर निकल गया है भाई। इस तरीके से अंदर कंडीशन है गाड़ी की, चेक कर सकते हो। कितना किलोमीटर चली होगी है? ये 91,000 चली हुई है। 91,000 चली है, 1,65,000, 1,65,000 में आपको सीएनजी कार दे रहे, वो भी 2010 फर्स्ट ओनर और टॉप एंड मॉडल दे रहे। तो नेक्स्ट अपने पास 7 सीटर सेगमेंट। अब हमारा 7 सीटर सेगमेंट है, जो कि सबसे फर्स्ट कार है, सेंगयोंग रेक्सटन 2014 मॉडल, फर्स्ट ओनर कार है। दिखा दूं आपको, ऑटोमेटिक में ऑल व्हील ड्राइव है, ऑल व्हील ड्राइव मिल जाती है ऑटोमेटिक में, फिर सनरूफ, यहाँ पर रेक्सटन आपको चेक करने के लिए मिल जाएगी। और ये गाड़ी में एक खासियत है। हाँ। ये गाड़ी 59,000 चली हुई है, जो कि रेक्सटन आपको कहीं नहीं मिलेगी, 59,000 चली हुई। हाँ। और अभी तक ये गाड़ी में जो टायर्स है, वो भी कंपनी के ही टायर्स है, कंपनी के टायर लगे हुए हैं। क्या जबरदस्त गाड़ी है भाई। और रेक्सटन की अगर आपको सर्विस का अगर इशू है, तो वो महिंद्रा पे हो जाएगी। अब तो रेक्सटन काफ़ी कॉमन हो गई है, तो ये फ्रंट से कंडीशन है कुछ भाई गाड़ी की। कितना प्राइस रहेगा? मैं आपको बता दूं, इस प्राइस रेंज में 2014, हाँ, ऑल ओरिजिनल पेंट में गाड़ी, 59,000 चली हुई कार, आपको रेक्सटन कहीं नहीं मिलेगी, 5.90 लाख में आपको रेक्सटन दे रहे, वो भी कम चली हुई गाड़ी। और नेक्स्ट है अपने पास इको स्पोर्ट। इको स्पोर्ट का क्या ना, काफ़ी दीवाने भी हैं और काफ़ी डिमांड भी रहती है, और काफ़ी बढ़िया गाड़ी है। क्या डिटेल है इसकी? ये इको स्पोर्ट है 2019 मॉडल, BS6 इंजन में डीजल मॉडल है ये। हाँ। और इसका प्राइसिंग हमने रखा है 8.90 लाख, 43,000 विद रिकॉर्डिंग साथ चलिए। थोड़ा प्राइसिंग आपको हाई लगेगा, जानते हो अपन, ये फेसलिफ्ट मॉडल है, जिसके अंदर आपको लाइट्स, पूरी गाड़ी फेसलिफ्ट हो गई थी। देख सकते हो भाई कंडीशन, ठीक है। अंदर से मैं एक बार कंडीशन दिखा देता हूँ गाड़ी की। कितना प्राइस रहेगा इसका? 8.90 लाख, 8.9 लाख, 8,90,000 रुपये में आपको ये मिल जाएगी। टाइटेनियम है, टाइटेनियम मॉडल मिलता है, वही ये DRS मिल जाते हैं, मस्त लग रही है। और यहाँ पर आपको नीचे आपको पेडल लैंप मिल जाता है, चेक कर लो, क्या जबरदस्त लग रही है। रात के टाइम में भी बनाते हैं एक वीडियो, तो जबरदस्त बनती है, क्योंकि कुछ लाइटिंग वगैरह जो रहती है गाड़ी के अंदर सब दिख जाती है। स्क्रीन वगैरह आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है यहाँ पे, सब लाइट वगैरह चेक कर सकते हैं। प्राइस 8.90 लाख। और मैं आपको एक चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ, भले मैं आपको प्राइसिंग का इसका श्योरिटी नहीं दे सकते, इसकी कम रेट में मिलेगी, पर अगर आपको मार्केट में से कम रेट में आपको गाड़ी मिल रही है, एक बार वो गाड़ी आप चेक करो, और एक बार ये गाड़ी चेक करो, मैं आपको 100% की आप यही गाड़ी आप प्रीफर करोगे सबसे पहले। बहुत सही। और नेक्स्ट है आपके पास MG Hector। ये है हमारे पास MG Hector 2019 डिसम्बर, डीजल एंड टॉप एंड मॉडल शार्क विद इंटरनेट इनसाइड के साथ, फर्स्ट ओनर कार है। और आज के टाइम में आपको बता दें, इस कार का प्राइस आप ऑनलाइन भी देखोगे ना, मोर देन 23 लाख है डीजल मॉडल में। और इस कार में आपको 4 मंथ की वेटिंग भी है, 4 मंथ की वेटिंग मिल जाती है भाई इसके अंदर, लेकिन आपको यहाँ पर अवेलेबल है ये गाड़ी, और ऑलमोस्ट पूरी एकदम टॉप कंडीशन में ही है। देख रहे, पन्नी वगैरह तक नहीं उतारी, ये इंडियंस की निशानी है, इसमें मतलब पन्नी वगैरह नहीं उतारते। कितना प्राइस है इसका? अब हमने इसका प्राइस ये देखा है 16.75 लाख में हम आपको हेक्टर दे रहे, टॉप एंड मॉडल विद डीजल के साथ। डीजल में आपको अप्रोक्सीमेटली 17 km/h की एवरेज देती है कार। 75 लाख नहीं, 7.5 लाख होगा, 17 होगा, 16.75 लाख, 16.75 लाख में MG Hector बेच रहे हो। शुभम भाई का मुंह देख के मैं भी चौंक गया, ऐसा आके क्यों बाप फाड़ के देख रहे। इसके आपको दिखा दो, इसमें रनिंग इंडिकेटर्स भी आ जाएगा, जो कि अब आपको ये चीजें ना नई हेक्टर में नहीं आती है, कॉस्ट कटिंग के लिए। वाह, क्या लग रही है भाई। ये अब 2023 मॉडल्स में भी आप देखने जाओगे ना, अभी रिसेंटली आप देखने जाओगे ना, ये चीज आपको रनिंग इंडिकेटर्स आपको न्यू हेक्टर्स में नहीं मिलेगी। अच्छा। क्योंकि डिपेंड ऑन चिप की शॉर्टेज की वजह से, और ये कॉस्ट कटिंग की वजह से। पर एक है दूसरी XUV500 और XUV500, कि 3 XUV500 आपको मिल जाएंगी, डिटेल बताते हैं फुल। और ये है अपनी नैनो, ठीक है, ये बेकाऊ नहीं है, 500। क्या डिटेल है भाई? XUV500 2012 मॉडल, एंड पूरी नीट एंड क्लीन कंडीशन में कार है। आप देखने जाओगे ना मार्केट में, XUV में सबसे मेन प्रॉब्लम क्या था? इसका गियर नॉब,
क्योंकि आप इसको देख के पता चल सकता है कि आपको इसकी कंडीशन क्या होगी। हाँ हाँ, ये देखो भाई क्या जबरदस्त कंडीशन में रखा है, और ये भी नहीं टूटा काफी सारी यार एक्चुअली में, 90% का एक्चुअली में आपको ये चीज टूट ही जाता है। हाँ, भले वो कितनी कम चली हुई गाड़ी भी क्यों ना हो भाई, सीट टोर वगैरह भी काफी सही है। और क्या प्राइस, कितना किलोमीटर चली है, ओनर कितने है? ये सेकेंड ओनर है, 2012 मॉडल है, ये भी हमारी ही बायबैक की हुई कार है। अच्छा, और इस चली हुई अप्रोक्सीमेटली 1,08,000 जो भी चले विथ रिकॉर्ड के साथ ही चली है। ठीक है, और इसका प्राइस हमने रखा है 4.75 लाख में भाई। 4.75 लाख में आपको यहाँ पर एक वो भी W8 है, सॉरी W86 एयरबैग के साथ, मेरे पास जितनी भी तीन एक्सयू वो भी W80 है, सब टॉप एंड मॉडल है, सिर्फ ईयर का फर्क है। ठीक है, और अब हमारे पास आ गई है ये एक्सयूवी है, ये 2015 मॉडल की कार है। आप देखने जाओगे 2015 में दो जनरेशन आती थी, एक ओल्ड जनरेशन भी आती थी, एक न्यू जनरेशन में भी आती थी। ये ओल्ड जनरेशन में 2015 मॉडल है। हाँ, अभी हमारे कुछ क्लाइंट्स को डाउट होगा कि ये गाड़ी 2014 मॉडल की भी हो सकती है। हाँ, मैं आपको आते हुए दिखा देता हूँ। ठीक है भाई, अलॉय व्हील्स में जाते हैं। आ जाओ, इसके मिरर्स में इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होगी, यहाँ ये रहा 15, मिरर देख सकते हो भाई, मस्त रखा है, कोई दिक्कत नहीं। और काफ़ी प्रीमियम इंटीरियर आपको मिल जाता है, सीट वगैरह, और यहाँ पर भी आपको ये सब बराबर ही मिलेगा, देख रहे हो। W8 है ना ये, W8 विद 6 एयरबैग्स, और एक्टिव 500 का तो भाई है ही जलवा, बहुत ज़बरदस्त गाड़ी आती है यार, लेकिन ट्रैवल पे कहीं पर भी निकल जाओ, बड़े मज़ेदार। प्राइस कितना है इसका? इसका प्राइस मैं आपको गारंटी के साथ देता हूँ, फर्स्ट ओनर कार, W8 मॉडल एंड 2015। हाँ, इसका प्राइस हमने रखा है 6.50 लाख में, 2015 मॉडल XUV दे रहे हैं हम आपको। वाह भाई वाह, और है ब्लैक कलर में है ये वाली, ये XUV हमारी 2014 रजिस्टर्ड 13 मैन्युफैक्चरिंग की कार है, ये भी W8 टॉप मॉडल है। हाँ, ये ओनर सीरियल कार का सेकंड है। हाँ, ये गाड़ी चली हुई है अप्रोक्सीमेटली 95,000 चली हुई है। हाँ, और ये सबसे मेन चीज, आपको मार्केट में XUV 500 ब्लैक कलर में बहुत ही रेयर मिलती है, और ये आपके लिए ब्लैक कलर में W8 लेके आया हम आपके लिए। हाँ भाई, कंडीशन कुछ इस तरीके से है, इस तरीके के इसके सीट कवर वगैरह मिलते हैं। प्राइस कितना रहेगा इसका? प्राइस हमने रखा है 5.35 लाख, 5,35,000 रुपये में आपको ये वाली एक्सयूवी मिल जाएगी। ये काफ़ी सही है भाई, और भी है स्टॉक, और भी है ना, आज आपको पूरा थका के ही घर बेचने वालों। नेक्स्ट हमारे पास है क्रेटा, 2016 दिसंबर की कार है, 1.6 SX टॉप एंड मॉडल है। हाँ, जिसके अंदर आपको पुश स्टार्ट बटन कीलेस एंट्री आ गई थी। ओके भाई, ये वाली क्रेटा बताऊँ बहुत बेस्ट आती थी, ठीक है, ये मॉडल, और ये बड़ा भी लगता है मॉडल, वैसे इतना ज़्यादा खैर खास फर्क पता नहीं चलता नहीं है, बट हाँ जबरदस्त आती थी वाली भी भाई, इस तरीके से सीट कवर मिल जाते हैं। और कितना किलोमीटर चली है भाई ये? चली है 70, श्योर नहीं है, 70 to 75 है, श्योर नहीं, अंडर 1 लाख चली है, अंडर 1 लाख। ठीक है, प्राइस कितना रहेगा इसका? इसका प्राइस हमने रखा है 8.95 लाख में, 2016 एंड की कार है, 1.6 SX टॉप एंड मॉडल है। अपने टाइम में भी ये गाड़ी अप्रोक्सीमेटली 16 प्लस की आती थी। आज हमने लगभग इंडियन सेगमेंट की जो भी सबसे लीडिंग कार होती है वो सबका हमने वीडियो बना लिया ऑलमोस्ट। हाँ, अब हमारे पास रह गई थी अल्टिगा, उसकी भी कमी पूरी हो गई है। ये है अल्टिगा 2014 की कार है, फर्स्ट ओनर है, VDI ABS ऑप्शनल है, इसके अंदर आपको एलो व्हील्स भी आ गए थे, एनिवर्सरी एडिशन वाला है ये, और फर्स्ट ओनर है ये भी, फर्स्ट ओनर कार रहेगी। कितना किलोमीटर चली होगी ये? 91,000 चली हुई है, 91,000 अप्रोक्सी चली है। कितना रहेगा इसका प्राइस? हमने रखा है 5.40 लाख में, 2014 मॉडल, फर्स्ट ओनर कार हम आपको दे रहे हैं। ओके, अलग सेगमेंट पे चले जाते हैं, जो कि ये हमारी महिंद्रा इंपीरियो, ये शायद ही शुभम भाई ने अपने वीडियो में कभी कैप्चर की होगी, कभी नहीं किया भाई ये तो, ये गाड़ी बता दी ये। हाँ, सब ट्रक वगैरह है ना, ये अपने टाइम से बहुत अहेड है यार ये, सही पता है, क्योंकि अभी लोगों को इसकी, अभी लोगों को थोड़ा थोड़ा आ रहे हैं इस चक्कर में, पहले जब ये लॉन्च हुए थे तब इतना लोग जानते नहीं। हाँ, थे लोग को क्या रखते हैं, ट्रक है ना वो ट्रक की सबसे, और इस कार से कंपेयर नहीं कर सकते, पर मैं 100% कह रहा हूँ आप इसको है ना कार के साथ कंपेयर कर सकते हो, बेस्ट चीज है भाई ये। मैं आपको इसमें एक चीज और बता दूं, इसके अंदर आपको AC है, 4 पावर विंडोज है, पावर स्टीयरिंग है, एंड आपको हीटर मिल जाएगा आपको, और क्या ही चाहिए आपको, नॉर्मल फीचर्स आपको कार में तो सभी आ जाते हैं आपको। इसके AC में आपको बता दूं, ये जितना चिल्ड i20 का नहीं होगा, ज्यादा चिल्ड इसका AC है भाई। ऑफ रोड हो गया चाहे कैसे भी हो गया, देख रहे हो कितना ऊंचा पैर ऊपर रखने के लिए पूरा ऊपर करना पड़ रहा है भाई। हेडरूम वगैरह भी देखो गाड़ी के अंदर कितना जबरदस्त है, ये सब चीजें तो भाई मतलब पागल है लोग अभी इस चीज के लिए, क्योंकि सेकेंड हैंड में बहुत कड़े मिलते नहीं है, बात ये बढ़ जाती है। फिर नए लेने जाओ तो हिलक्स है अपने पास, वही ऑफर, वही 50 लाख रुपए की गाड़ी वो, लेकिन हिलक्स भी भाई मस्त लगती है। महिंद्रा ने निकाली थी, टाटा ने निकाली थी Xenon, वो उन्होंने बंद कर दी, बस इसलिए कि भाई लोग खरीद नहीं रहे थे, वो सब चीज़ें कदर नहीं थी उस टाइम पे। पनी
इससे ज्यादा कैपेबल कोई गाड़ी नहीं हो सकती। वही तो, और मॉडिफाई करा लो तो कहाँ कहाँ नहीं जा सकते इसको लेके भाई, पूरा वर्ल्ड ट्रैवल कर सकते हैं। इसकी डिटेल मैं बता दूं आपको, इस मॉडल में और इस प्राइस रेंज में आपको गारंटी के साथ कोई प्राइस ये गाड़ी नहीं देगा आपको। इम्पीरियो 2018 मॉडल, फर्स्ट ओनर VX टॉप एंड मॉडल, अपने टाइम में भी कार 13 लैक्स की आती थी। हाँ। और अब हमने इस कार का प्राइस रखा है 4.90 लैक्स। देख ही सकते मोटे मोटे 60% हमने ऑफ कर दिए गाड़ी के अंदर भाई साहब, 4 लाख। और इस कार में आपको, मैं आपको 50,000 मिनिमम डाउन पेमेंट दीजिए, मैं आपको लोन करवा दूंगा। मैं 50,000 डाउन पेमेंट दीजिए, 50 भी नहीं, अगर आपका महीना भर रुक जाओ मैं ही ले लेता हूँ आपके मैं मॉडिफाई करा लूंगा, फिर बाद में निकल जाऊंगा। अगर आपके पेपर्स में पावर होगा तो मैं आपको 100% भी लोन करा दूंगा कार। वाह भाई वाह, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा लास्ट कार जनरलिस्ट बीस्ट, जो कि है फोर्ड एंडेवर। भाई साहब ये गाड़ी की, मतलब ये गाड़ी का नाम सुनते भाई स्पाइन में चिल आ जाता है, तो वही आ गया। यही एक गाड़ी थी जिसने फॉर्च्यूनर को सस्ता कर रखा था, तब से ये गई है, फॉर्च्यूनर के भाव बढ़ गए। और ये गाड़ी के अंदर क्या नहीं आता था बताओ भाई, 3.2 लीटर इंजन वाला एडिशन है ये, अभी तक 2.2 लीटर कर दिया था, लेकिन हो गया। ये 3.2 लीटर वाला इंजन है, टायर देख रहे हो कितने मैसिव टायर आते, कम ये आपको इधर पता ही नहीं चलेगा यार, जस्टिफाई नहीं कर पाता है। तो ये देख रहे हो, ठीक है, ये फाइबर वैसा लगा हुआ है, और ये किस लिए लगा होता है बता देता हूँ कि ये होता है इंसुलेशन के लिए, ये जो मतलब कि टायर के जब चलती है गाड़ी जो नॉइस होता है ना उसको रिड्यूस कर देता है, कैबिन में नॉइस नहीं आने देता, मतलब सब प्रीमियम गाड़ी में ही लगा होता है। अगर आप इसमें देखो, ये तो खैर BMW इसमें भी मिल जाता है, अगर सेंटर वगैरह छोटी कोई गाड़ी में देखोगे तो उसमें नहीं देते, तो आपको सब कुछ मतलब प्रीमियमनेस तो यहाँ पर देखने को मिलेगी। 10 गियर वाली गाड़ी आती है भाई, और फीचर से लोडेड आती है सब कुछ, ऑल व्हील ड्राइव। एक और ही गाड़ी में फीचर है, आपको मार्केट में 3.2 लीटर के साथ 4x4 नहीं मिलेगी, मैं आपके लिए 4x4 लेके आया हूँ ये भाई साहब, 4x4 और क्या ही चाहिए गाड़ी का। अब देख सकते हो इसके अंदर आपको मोड्स मिल जाएंगे प्रीमियम, देख रहे हो भाई क्या डैशबोर्ड प्रीमियम है, स्टिकिंग वगैरह सब देख नीचे, हाँ मोड्स मिल जाते हैं आपको इसके अंदर सब, देख सब टेरेंस मोड आ जाएगा इसके अंदर, ऑटो पार्किंग भी आ जाएगी आपको, ऑटो पार्किंग भी मिल जाती है, ऑटो पार्किंग आपको एंडेवर में मिलती है, जो सबसे पहले इंडियन सेगमेंट में आपको एंडेवर ही ये कार में फीचर आया था भाई साहब, यार ऑटो पार्किंग वाली है। तो हुड देख रहे हो, अनीश खड़ा हो देख, अनीश कितना लंबा है उसके ऊपर आके देख लो भाई कितनी ऊंची गाड़ी है ये। क्या प्राइस रहेगा इसका? इसका प्राइस हमने रखा है 23.75 लाख। 23.75 भाई, 23,75,000 इसके लिए, क्या गाड़ी है यार ये, बहुत बढ़िया। लोन वगैरह हो जाएगा ना? अरे इसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉनिक गेट आ जाएगा इसके अंदर, जो कि 2016 मॉडल की फॉर्च्यूनर में नहीं आता था, ये इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट, जो कि बटन से ही ऑन ऑफ कर सकते हो आप, दिखा देता हूँ। अरे एक और फीचर है इसमें, इसके फीचर तो कभी खत्म हो गए नहीं वो बात है, जो कि फॉर्च्यूनर के कंपेरिजन में आज तक नहीं आई, फॉर्च्यूनर छोड़े ये चीज आपको लैंड क्रूजर में भी नहीं आएगी भाई, ये है इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट, मस्त ओपन हो गया। एक चीज आपको इसमें फीचर बता दूं, जो कि आपको फॉर्च्यूनर में नहीं मिलेगी ना 2016 मॉडल की लैंड क्रूजर में, ये है ये सीट इलेक्ट्रॉनिकली फोल्ड हो जाती है भाई, देख रहे हो भाई, गाड़ी ने जो प्रीमियमनेस दिया था ना इंडिया को वो तो भाई भूल ही नहीं सकते। और ये चली गई यार, बड़ा दुख होता है कि फोर्ड क्यों चली गई, इसकी वजह से भाई एंडेवर चली गई, मस्टैंग चली गई, जो मतलब गाड़ियाँ इसकी अच्छी थी, अधूरा रह गया वही यार। अब लेने भी जाओ मस्टैंग तो भाई वो सेकंड हैंड मिलेगी चली हुई, सेकंड हैंड भी आप प्राइसिंग देखने जाओगे ना तो वो आपको मोर देन न्यू कार में कॉस्ट कर दे, क्योंकि उस कार की अभी वो जैसे ही कंपनी छोड़ेगी ना गाड़ियों की रिक्वायरमेंट और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि तो कस्टमर को लगता है कि कार के प्राइस कम हो जाने चाहिए, पर नहीं, ये इको स्पोर्ट एंड एंडेवर एंड मस्टैंग अब देखने जाओगे ना आपको कॉस्टली ही मिलेगी। ये थी गाड़ियां सब, और काफी सारी मतलब हम लोगों ने आज कलेक्शन दिखाया, और ये होपफुली ये दो वीडियो में कंफर्म रात करवा दी हमने शुभम भाई को और आजकल आज रात हो गई थोड़ी तो, लेकिन अच्छा माहौल लग रहा है, थोड़ा दिवाली का माहौल लग रहा है भाई, ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है पूरी गाड़ियां, देख सकते हो भाई सब क्या डार्ट ऑन कर दिया हम लोगों ने, और बहुत सही। और भाई वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, और जो नंबर रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, और एड्रेस एक बार फिर से बता दूंगा, ये है हमारा मकरपुरा GIDC जुपिटर 4 रास्ते पर ही है, रमेश मोटर आपके दिखी जाएगा, ठीक है, राइट हैंड साइड पर बिल्कुल। तो एड्रेस एंड नंबर वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय बोलना।